हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे JSSC मैट्रिक लेवल एडमिट कार्ड 2024 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने JMLCCE 2023-24 के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। कैसे, कब और कहां से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC ने कुछ दिनों पहले झारखंड मैट्रिक लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन JMLCCE 2023-24 के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए थे। यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी थी 455, जिनको भरने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट होगा। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। डेट्स की अगर बात करें तो कैंडिडेट से ऑनलाइन फॉर्म 4 जुलाई 2023 से 3 अगस्त 2023 के बीच में एक्सेप्ट किए गए थे। अब यहां पर आपका एग्जाम 29 सितंबर 2024 को कंडक्ट होने जा रहा है और आप अपने एडमिट कार्ड एग्जाम कंडक्ट होने के 5 या 7 दिन पहले JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर JSSC मैट्रिक लेवल एडमिट कार्ड आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एडमिट कार्ड का एक सेक्शन ओपन होगा। इसमें आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिस पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, या फिर गाइज आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर टाइप करें jssc.nic.in और आपके सामने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है और यहाँ पर एडमिट कार्ड के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यही इंटरफेस ओपन होगा। एडमिट कार्ड का ये सेक्शन ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको जैसे बाकी और एग्जाम्स के लिए एडमिट कार्ड के लिंक दिए गए हैं, ऐसे ही आपको झारखंड मैट्रिक लेवल एग्जामिनेशन 2023-24 के एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा यहाँ पर टॉप पर ही। उसके सामने आपको डिटेल्स के लिंक पर क्लिक करना होगा, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पर आकर डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी, ये कैप्चा कोड एंटर करना होगा और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी, जैसे कि क्या आपका रिपोर्टिंग टाइम है, कब से कब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किस डेट को किस वेन्यू पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किन किन चीज़ों को आप एग्जाम में कैरी कर सकते हो और किन किन चीज़ों को आप एग्जाम में कैरी नहीं कर सकते हो। सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस और डिटेल्स आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड करा दी जाएंगे। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड करनी है। उसके बाद आपको अपने एडमिट कार्ड का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। गाइज, आपको अपने एडमिट कार्ड के हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के साथ साथ ही अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर पर एक वैलिड फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा, जैसे कि कोई आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इन दो डॉक्यूमेंट के साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। बिना इनके एग्जामिनर आपको एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मैट्रिक लेवल एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही एग्जाम डेट एंड एडमिट कार्ड नोटिस PDF का लिंक भी दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो आपका झारखंड मैट्रिक लेवल का जो एग्जाम है 2023-24 का, वो 29/9/2024 को कंडक्ट होने जा रहा है। यहाँ पर रांची जिले में अवस्थित परीक्षा केंद्र पर आयोजित यहाँ पर आपकी परीक्षा होगी। एडमिट कार्ड आपका 2 या 4 दिन में एग्जाम कंडक्ट होने से पहले आपको रिलीज करा दिया जाएगा, जिसको डाउनलोड करके आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना JSSC मैट्रिक लेवल 2023-24 एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।